तो अरमान एंड लक्ष्य मैडम, वेलकम टू द वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। तो हम सीख रहे हैं फोटोशॉप क्लासेस, स्मार्ट फोटोशॉप कोर्स कर रहे हैं हम लोग। इसमें हम सीख रहे हैं फोटोशॉप कैसे पहले ऑपरेट होता है, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, टूल्स क्या होती है, और उसके बाद में हमें इस पर डिजाइनिंग कैसे करनी है। तो ये हमारी क्लासेस में कवर होगा। तो हम लोग फोटोशॉप की स्क्रीन पे आ जाते हैं। हमने फोटोशॉप ओपन किया हुआ है। कल हमने सीखा था कि क्रिएट न्यू करके या न्यू पे जाके हमें एक कैनवास कैसे ओपन करना है। तो मैं एक कैनवास ओपन करने के लिए फिर से डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। वेट हाइट डाल दी, रेजोल्यूशन 300, RGB हमने कर दिया, कलर मोड और 8 बिट कर दिया, और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं वाइट। जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमारा कैनवास जो है हमारे सामने आ गया। अब इसे हम जूम आउट और जूम इन करने के लिए हमेशा यूज़ करेंगे कंट्रोल की, उसके साथ हम प्लस बटन को क्लिक करेंगे तो ये होगा जूम आउट। आप स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे 200% जूम कर लिया है मैंने इसको। अब हम मैं मेरे को इसको वापस से जूम आउट करना है, तो मैं इसे कंट्रोल माइनस की प्रेस करूंगा और उससे वो छोटा होता जाएगा। ये होता है प्लस करने से, कंट्रोल के साथ प्लस दबाने से होगा आपको बड़ा, कंट्रोल के साथ माइनस दबाने से होगा छोटा। और आपको फिट टू फ्रेम करना है तो कंट्रोल के साथ आपको दबाना पड़ेगा जीरो। जैसे आप कंट्रोल के साथ जीरो प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा फिट टू फ्रेम, मतलब टॉप टू बॉटम जो है आपका एरिया वो फिट टू फ्रेम हो गया है। ठीक है, अब हम आज सीखने वाले हैं इसकी टूल बार। जो लेफ्ट साइड पे एक टूल बार आ रही है टॉप टू बॉटम के अंदर, ये टूल बार क्या है और ये क्या क्या काम करती है। तो देखिएगा, अब मैं जहां जहां कर्सर लेके जाऊंगा और जब जब क्लिक करूंगा तो टॉप पे एक टूल बार बनी हुई आ रही है, टॉप ऑफ द पेज पे लेफ्ट से शुरू हो रही है राइट की तरफ। ये जो जो हम सेलेक्ट करते जाएंगे इस टूल बार में से, टॉप टू बॉटम में से, वो टूल बार ऊपर उसकी डिटेल टूल बार खुलती जाएगी। तो पहली टूल बार क्या है, पहली टूल बार को हम क्लिक कर वापस कर्सर लेके जाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, मूव टूल, और दिखा भी रहा है उसमें एनिमेशन। किसी भी चीज को आप कंटेन को पकड़ के उसको आप अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, मूव करते हो, तो वो आपकी मूव करेगी आपकी चॉइस से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये एक लेयर है, मैंने इसकी एक और लेयर बना दी। ठीक है, लेयर बनाने के बाद मैंने जब जैसे इसको मूव टूल को सेलेक्ट करूंगा तो ऊपर इसकी टूल बार खुल जाएगी। ठीक है, इस टूल बार में अलग अलग ऑप्शन है, हम पहले सिर्फ इस टूल बार को समझ रहे हैं, फिर इस टूल बार के अंदर क्या क्या ऑप्शन है उनको समझेंगे। तो अभी ये टूल बार को मैंने सेलेक्ट की, यहाँ से जैसे मूव टूल पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही आप यहाँ पे देखो कर्सर आ गया, कर्सर के साथ प्लस का एक एरो साइन आ रहा है, मतलब ये वाला आपका सेलेक्ट हो गया है। अब क्या करेंगे हम इसे, जैसे ही हमने क्लिक करके रखा है लेफ्ट क्लिक हमारे माउस का, तो आप देखो ये मूव होना शुरू हो गया है। जैसे उसमें दिखा रहा था वैसे हम इसको मूव कर सकते हैं, कहीं भी मूव करना है। तो जब भी किसी भी चीज को आपको मूव करनी है तो आपको उस लेयर को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे 10 लेयर हो ऐसी, जैसे मैंने लेयर्स क्रिएट कर ली, तो आप जिस भी लेयर को मूव करेंगे वो ही लेयर मूव होगी। ठीक है, जैसे ये वाली लेयर है मैंने पकड़ लिया, तो देखो नीचे की लेयर से वहां व्हाइट दिखा रहा है, तो नीचे की लेयर्स मूव नहीं हो रही है, स्पेसिफिक ये 8 नंबर की जो लेयर है वो ही मूव हो रही है ना। तो स्पेसिफिक किसी भी लेयर को मूव करना है तो आपको पहले उस लेयर को सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने 5 नंबर की लेयर सिलेक्ट की है, अब मैं उसे मूव करना चाहता हूँ, तो देखो वो वाली मूव हो रही है। ठीक है, अब डिफरेंसेस देखना है तो अब क्या करते हैं, इस पे एक बार कलर फील कर देते हैं। जैसे मैं 8 नंबर वाली पे ये कलर कर देता हूँ, 7 नंबर वाली जो हमारी लेयर है उस पर एक कलर कर देता हूँ, फिर 6 नंबर वाली जो लेयर है उस पर मैं एक और कलर कर देता हूँ, और बाकी डिलीट कर देता हूं। तो मैं 3 लेयर्स में आपको डिफरेंसेस दिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे ये लेयर को मैंने छोटा कर दिया है, फिर ब्लू वाली एक और हमारी लेयर थी उसको भी मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है। ठीक है, और तीसरी एक और लेयर थी हमारी, इसे ऑन कर लेते हैं और कंट्रोल टी कर लेते हैं, इसे भी मैं छोटा कर लेता हूँ, और इसका जो भी कलर है उसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, ब्लू पर्पल हमने लिया हुआ है, रेड में ले लेते हैं इसको, और इस लेयर पे भी मैंने कलर डाल दिया। ठीक है, तो अभी क्या है, ये रेड लेयर यहाँ पे देखो कलर भी दिखा रहा है, इसके अंदर जहां जहां चेंजेस किए यहाँ पे रेड लेयर आ रही है। तो रेड लेयर को जैसे हम सिलेक्शन टूल यहाँ पे मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे, अब देखो सिर्फ रेड वाली मूव करेगी, दूसरी वाली को वहां पे कर्सर ले जाके फिर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट हो गई है ना, अब ये वाली मूव कर रही है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को पर्पल को क्लिक पर्पल पे क्लिक करके उसको मूव करना है, पर्पल पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखो पर्पल वाली उधर सेलेक्ट हो गई और यही मूव हो रही है। तो हमें जब भी किसी भी लेयर को मूव करना है वहां पे हम कर्सर लेके जाएंगे और उसे मूव करेंगे तो वो मूव होना शुरू हो जाएगी। जहां पे भी आपको रखना है, जैसे मेरे को ब्लू को यहाँ कॉर्नर पे रखना है, रेड वाली है उसको मुझे यहाँ कॉर्नर पे रखना है, फिर पर्पल वाली है तो मुझे यहाँ कॉर्नर पे रखना है।
तो मूव टूल क्या काम करता है, हर एक लेयर को मूव करता है जहां पे भी आपको मूव करनी है। ठीक है, ये हो गई हमारी मूव करने की। फिर मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ, वापस से एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, उस पर मैं एक फिर से कलर फिल कर लेता हूँ। ये कलर फिल कर लिया, अब हमारे पास एक ही लेयर है। तो हमने पहले टूल में क्या सीखा है, मूव टूल, कि ये मूव कैसे करेगी अलग अलग लेयर्स पे। ठीक है, सेकंड क्या आ जाता है, सेकंड लेयर पे मैं लेके जा रहा हूं, तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, रेक्टोंगुलर मार्क्यू टूल। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये काम करता है सिलेक्शन का। नीचे लिखा हुआ है मेक ए सिलेक्शन इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में सेलेक्ट करता है, मतलब कि रेक्टेंगल शेप में आपको कुछ भी चीज सेलेक्ट करनी है तो इस टूल को यूज करना है। तो जैसे ही मैं इस लेयर पे क्लिक करता हूँ, इस टूल पे क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हैं ऊपर की जो टूल बार है वो चेंज हो जाएगी। ये क्लिक किया मैंने, अब टूल बार आ गई है सिलेक्शन टूल की। ठीक है, हम इसे बोलते हैं शॉर्ट में सिलेक्शन टूल। जैसे ही इस पे क्लिक किया, अब देखो इस पे क्या आ गया है, प्लस का एक साइन आ गया डिफरेंट तरीके का। अब ये स्क्रीन पे साइन आ रहा है प्लस का। अब जैसे ही मैं इसका लेफ्ट क्लिक को क्लिक करूंगा ऐसे माउस से, ठीक है, यहाँ पे जाके, तो जहां तक मैं लेके जाऊंगा वो सेलेक्ट होता जाएगा। अगर रेक्टेंगल में करना है रेक्टेंगल में, स्क्वायर में करना चाहता हूँ स्क्वायर में, बिल्कुल रेक्टेंगल में पतला करना चाहता हूँ, मोटा करना चाहता हूँ और बड़ा करना चाहता हूँ, जितना चाहता हूँ मैं उतना अपनी चॉइस के हिसाब से रेक्टेंगल कर सकता हूँ, अप डाउन राइट लेफ्ट किसी भी साइड में। तो हमने क्या एग्जाम्पल के लिए इतना सेलेक्ट किया और हमने माउस का जो लेफ्ट माउस है उसका कर्सर शो ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करते देखो इस पे एनिमेशन आना शुरू हो गया। एनिमेशन मतलब जो डैश डैश चल रहे हैं वो मूव करते हुए जा रहे हैं, मतलब इतना एरिया जो है इस लेयर का उतना एरिया सेलेक्ट हो चुका है। अब सेलेक्ट होने के बाद में हमको क्या करना होता है, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम कर सकते हैं कि ये एरिया को सेलेक्ट किया है, अब इसको मेरे को इस एरिया को कॉपी पेस्ट करना है। तो हम कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, जब सेलेक्ट हो गया है उसके बाद में हमारी जो कीबोर्ड है उसमें से कंट्रोल के साथ कॉपी करना है इसको और कंट्रोल के साथ वी करना है। जैसे ही मैंने कंट्रोल वी किया, आप देखो एक और लेयर क्रिएट हो गई है इधर, क्या हो गई, लेयर टू। अब हम नीचे वाली जो लेयर है, जो मेन लेयर है, उसको हम ऑफ करते हैं, आई क्लोज करते हैं। जितना हमने सेलेक्ट किया था उसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, जैसे ही पेस्ट किया एक और लेयर बन गई और इतना एरिया उसमें से काट के कॉपी करके और पेस्ट कर दिया एक नई लेयर के ऊपर। तो ये किसके लिए काम होता है, किसी चीज को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करके उसको कॉपी पेस्ट करना, मतलब कि आपने वहां से इतना एरिया को कॉपी पेस्ट करके एक नई लेयर पे निकाल दिया है। इसी को मैं एग्जांपल में एक और अच्छे तरीके से समझाता हूँ आपको। जैसे मेरे पास एक कोई डिजाइन है, आर्टवर्क है, डिजाइन को बोला जाता है आर्टवर्क, जैसे ये वाला है, इसको मैंने पिक किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करते ही एक सिलेक्शन टूल आ रहा है, सेलेक्ट किया हुआ है इसको, इसको हमको चेक मार्क, ऊपर चेक मार्क आ रहा है, उससे हम लोग इसको ना डिसलेक्ट कर सकते हैं जिससे ऊपर आ रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म का एंटर, ठीक है, जैसे ही क्लिक किया देखो आप सेलेक्ट किया होता वो हट गया, ऐसे ही कंट्रोल टी बटन दबाएंगे फिर से वो सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल टी करने से वापस वो एरिया सेलेक्ट हो जाता है, फिर आप भले ही यहाँ पे कर्सर नहीं है आपका तो भी यहाँ पे कर्सर से आप इसको मूव कर सकते हैं। कंट्रोल टी करने से भी आप मूव कर सकते हैं, मूव टूल को काम में ले सकते हैं। तो हमने इसको फिट टू फ्रेम कर दिया, फिर से डिसलेक्ट करना है तो एक ऊपर चेकमार्क बना रहा है उससे डिसलेक्ट कर सकते हैं, या अपने कीबोर्ड में से एंटर जैसे ही हम करेंगे तो डिसलेक्ट हो जाएगा। अब हम सेम टूल यूज करने वाले, सिलेक्शन वाला टूल, ये सिलेक्शन टूल है। इस सिलेक्शन टूल में भी अलग अलग टूल्स है, जब आप राइट क्लिक करोगे आपके माउस से, राइट क्लिक करते ही आप देखोगे यहाँ पे रेक्टेंगल आ रहा है, फिर दूसरा एक और टूल आ रहा है जो सर्कल में आ रहा है, तीसरा आ रहा है एक फ्लैट लाइन के अंदर, एक आ रही है उसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस में। तो इसमें भी चार डिफरेंट टूल है। अगर आपको राउंड शेप में अगर सेलेक्ट करना है तो आप आपके इस टूल पे आने के बाद राइट क्लिक करोगे माउस से, राइट क्लिक करते ही आप राउंड शेप है इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे तो अब जैसे ही हमारे कर्सर को क्लिक करेंगे अब ये राउंड शेप में दे रहा है, अब जो सिलेक्शन था वो राउंड शेप में हो गया। तो हमें जैसे भी करना है इसे उतनी चॉइस में, जैसे इतना एरिया मेरे को कट करना है इसमें से, तो मैं क्या करूंगा, इतने एरिया को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके इसको छोड़ दिया मैंने मेरी लेफ्ट क्लिक को अपने माउस से, और यहां से मुझे वही स्टेप फॉलो करनी है, कंट्रोल सी मतलब कॉपी कर लिया इसको और कंट्रोल वी, जैसे ही कंट्रोल वी किया देखो लेयर क्रिएट हो गई, आपकी राइट साइड स्क्रीन पे देख सकते हो लेयर टू आ गई। अब पहली जो मेन लेयर थी उसको मैंने आई क्लोज कर दी, जैसे ही आई क्लोज की तो देखो अपने जितना सिलेक्शन किया था उतना एरिया यहाँ कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसको वापस डिलीट करना है हमारी लेयर को कि ये काम की नहीं है, तो आप डिलीट बटन प्रेस कर सकते हो आपके डैशबोर्ड लैपटॉप की कीबोर्ड में से, या फिर नीचे बॉटम राइट पे आप देखोगे नीचे एक डस्टबिन बना हुआ आ रहा है, यहाँ पे नीचे
ये लिखा हुआ डिलीट लेयर। तो जिस भी लेयर को डिलीट करना है उसको आपको सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद में नीचे डिलीट का बटन है डस्टबिन का, उसको आप क्लिक करोगे वो डिलीट होगी। ये लेयर को डिलीट करना है, जिस लेयर को डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, तभी डिलीट कर सकते हो। तो इसको सेलेक्ट की, मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब इस लेयर अभी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, अब इसको हमको देखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी आई को ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने आई को ऑन किया ये ऑन हो गई और डिस्प्ले ऑन लग गई, ठीक है। तो अब क्या किया हमने, सिलेक्शन किया अभी राउंड शेप में, अब हम करेंगे रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम फिर से इसे सेलेक्ट करने के लिए यहां से रेक्टेंगल किया, इसको सेलेक्ट किया, यहां से छोड़ा, फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जैसे ही कॉपी पेस्ट किया लेयर वन एक और बन गई है। इसको ऑफ करेंगे, जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया था वो एरिया सेलेक्ट होके कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। तो हमने क्या सीखा इससे कि सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है, अगर राउंड में आपको सिलेक्शन करना है या फिर रेक्टेंगल में, तो आप जब भी सिलेक्शन करना चाहते हो तो कैसे सिलेक्शन करना है इन टूल्स को यूज करके, ठीक है। हम इसको ऑन कर लेते हैं, एक और लेयर क्रिएट कर लेते हैं, फिर से हम कलर फिल कर लेते हैं इसके अंदर, ये कलर फिल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है अपना, यहाँ लेयर्स जो भी टॉप पे होगी वो पहले दिखेगी, नीचे की लेयर हाइड हो जाएगी, ठीक है। हाइड क्यों हो रही है, क्योंकि पूरी फ्रेम के अंदर कैनवास के अंदर पूरा रेड कलर है, ठीक है। जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे नीचे की लेयर हमको दिखने लग जाएगी, तो नीचे की लेयर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास टूल क्या आ जाता है, जैसे ही हम कर्सर लेके जाएंगे ये आ रहा है पॉलीगोनल लेसो टूल, ठीक है। ये होता है स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट करने के लिए। अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आप कर्सर देखोगे, कर्सर चेंज हो गया, जो यहाँ पे आइकन दिख रहा है टूल पे वही आइकन आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको भी आप जब राइट क्लिक करोगे तो इसके अंदर अलग अलग सेक्शन आएंगे, अलग अलग तरीके से इसको टूल को यूज किया जाता है। हम पहले टूल को सेलेक्ट करेंगे, पहले टूल को सेलेक्ट करने के बाद में ये कैसे काम करता है, मैं स्क्रीन को थोड़ा कंट्रोल प्लस यूज करके जूम कर लेता हूँ। जूम कर लिया तो ये क्या हुआ, बड़ा हो गया 100%, नीचे आपको 100% दिख रहा है। अब इसको ये यूज कहाँ पे आता है, ये यूज आता है स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे मैं इस कॉर्नर से इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, हम इसका सेकंड टूल लेंगे पॉलीगन वाला, ठीक है। इसको जैसे हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्लिक किया तो देखो यहाँ से सेलेक्ट हो गया। अब जहां भी ले जाके आप सेकंड क्लिक करोगे वहां पे वो सेलेक्ट होता जाएगा। जैसे मैं इसको और जूम कर लेता हूँ, अब मुझे इसको बॉर्डर वाइज बॉर्डर इसको सेलेक्ट करना है, तो मैंने जूम कर लिया, मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, एक एक क्लिक करते जाना है आपको, बिल्कुल इसके बॉर्डर को सेलेक्ट कर लें, जितना एरिया आपको सेलेक्ट करना है। तो आप क्या करते जा रहे हो, यहाँ से सेलेक्ट करते जा रहे हो एक एक सिंगल एरिया को, है ना, एक एक चीज को आप यहाँ सेलेक्ट करते जा रहे हो, वो सेलेक्ट होता जा रहा है उसी शेप में जो शेप आप उसको क्लिक करते जा रहे हो, राइट। तो मैंने इसको क्विक सिलेक्शन कर लिया, यहां से मैं इसको सेलेक्ट करता गया हूँ। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ एक आइडिया सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ले रहा हूँ। आपको जब भी सेलेक्ट करना है तो इसकी बॉर्डर वाइज इसे जितने भी बॉर्डर आ रहे हैं उसको सेलेक्ट करते जाना। मैं अभी सिर्फ इस लीव को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसके कॉर्नर्स को सेलेक्ट करते जा रहा हूँ, ठीक है। आप देख रहे हो ये एरिया सेलेक्ट होता जा रहा है। तो सेलेक्ट करते करते हम स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट कर रहे हैं, जितना अपने को एरिया को सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो ये कैसे सेलेक्ट हो रहा है, ये हो रहा है स्पेसिफिक एक पॉइंट टू पॉइंट सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। जब हम सेलेक्ट करते करते लास्ट पॉइंट पे आ जाएंगे, लास्ट पॉइंट पे आपको मैं और जूम कर देता हूँ इसको, ये जूम हुआ। आप देखो यहाँ पे आके जैसे ही आप इसको ना जूम करने के बाद में लास्ट पॉइंट पे ला रहे हो, तो देखो यहाँ पे क्लिक किया है तो इस डॉट इसके नीचे कोई भी है ना अलग से कोई आइकन नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप उस लाइन से मैच करते हो आप देखोगे एक सर्कल बना हुआ आगे छोटा सा, इसका मतलब है यहाँ जाके ये मैच हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो एक सिलेक्शन टूल चालू हो गया एनिमेशन वाला, इसको मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको। अब देखो अपन ने जितना एरिया सेलेक्ट किया था वो पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया। ये किसके लिए, ये पॉइंट टू पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए कि हमें एक स्पेसिफिक एरिया को यहाँ यहाँ क्लिक करके और सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद सेम प्रोसेस है, जिस लेयर पे आप काम कर रहे हो जिसपे सेलेक्ट किया है वो लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये जैसे ही सेलेक्ट हो गई है उसके बाद में हमको सेम प्रोसेस करना है कंट्रोल के साथ, कीबोर्ड में कंट्रोल सी कॉपी किया और कंट्रोल वी पेस्ट किया। जैसे पेस्ट किया मेन हमारी जो लेयर थी जिसपे हम काम कर रहे हैं उसको हाइड करेंगे, आईज क्लोज करेंगे, आप देखो हमें सेलेक्ट होके वो आ गया। तो हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट किया है एक एक सिंगल क्लिक करके। इतना क्लिक करने से क्या हुआ है, एक एरिया सेलेक्ट होके हमें एक ग्राफिक मिल गया है सिलेक्शन टूल से उस पूरी इमेज में से।
अब ये पूरी इमेज बनी हुई है, पूरी डिजाइन बनी है। अब इसमें से अगर हमको सिर्फ इतने ही एरिया निकालना है, तो अगर हम रेक्टेंगल या फिर सर्कल यूज करेंगे तो क्या होगा कि इसका बैकग्राउंड जो है व्हाइट, वो भी एडिशनल बैकग्राउंड आ जाएगा। तो स्पेसिफिक ग्राफिक को आपको सिलेक्शन करना है तो इस टूल को यूज करना है। ये टूल यूज करने से आप स्पेसिफिक ग्राफिक को, अगर वो सर्कल में है, शेप में है, किसी भी शेप में है, तो आप उसको सेलेक्ट करके और उसके बाद में कॉपी पेस्ट करके एक नई लेयर पे ला सकते हैं। नई लेयर पे लाए, अब नई लेयर पे हमको इसी पे कोई डिजाइन क्रिएट करनी है, तो हम उसको डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। हमने ये इसको कॉपी करके सेलेक्ट क्यों किया है, जैसे यही लेयर को मेरे को डुप्लीकेट करना है फिर से, तो उसके दो तरीके है। लेयर टू पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, उस पे आएगा फिफ्थ ऑप्शन आएगा डुप्लीकेट लेयर। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डुप्लीकेट का नाम देने के लिए, आप ओके करेंगे, देखो लेयर टू कॉपी, एक और लेयर बन गई। अब क्या हो गया है, एक तो ये पत्ती बनी हुई लेयर, लेकिन दूसरी एक और बन गई। अब उसको कैसे देखेंगे, कंट्रोल टी यूज करेंगे हम अपने कीबोर्ड से। जैसे ही कंट्रोल टी किया, देखो ये लेयर टू कॉपी जो है वो सेलेक्ट हो गई। इसको आप पकड़ के, मैं जैसे ही साइड करूंगा तो ये एक और कॉपी बन गई, ठीक है। फिर से हम इसको डीसेलेक्ट करेंगे तो क्या यूज करना है हमें, एंटर। जैसे ही हम एंटर की दबाएंगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब इसी की मेरे को और डुप्लीकेट बनानी है, तो पहले हमने डुप्लीकेट किससे बनाई थी, फर्स्ट लेयर को राइट क्लिक सेलेक्ट करके डुप्लीकेट लेयर कर दिया। अब हमें कीबोर्ड की मदद से शॉर्टकट यूज करके इसका डुप्लीकेट बनाना है। उसके लिए शॉर्टकट क्या है, लेयर टू कॉपी है, इसी को हम डुप्लीकेट करने वाले हैं, तो इसको करना है कंट्रोल जे। जैसे ही कंट्रोल जे किया, लेयर टू कॉपी की एक और लेयर बन गई है, लेयर टू कॉपी टू, एक और लेयर बन गई। अब इसे हम चेक करेंगे कि इसकी कॉपी हो गई है तो कहाँ पे गई है, ये गई है इस, ये वाली जो लेयर थी जिसमें ये पत्ती आ रही है, इसी के ऊपर एक और लीफ आ रही है, वहां पे आ रही है। तो हमको इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, हमारे कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज करेंगे सिलेक्शन की, कंट्रोल टी किया, उसके बाद हम इसे फिर मूव करेंगे, तो देखो एक और लेयर। तो इस तरीके से हम डुप्लीकेट करके और लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं एक ही ग्राफिक की, ठीक है। अब ये हमने क्रिएट तो कर दी डुप्लीकेट करके, लेकिन हमें इसे मूव करना है। मूव कैसे करना है, कि कहीं और मूव करना है या शेप में मूव करना है, कि एक डायरेक्शन में 90 डिग्री 80 डिग्री पे मूव हो जाए। तो हम जिस भी लेयर को मूव करना चाहते हैं, पहले तो हमें उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी सेलेक्ट करना है। कंट्रोल टी सेलेक्ट करने के बाद देखोगे आप, यहाँ पे है ना, इस जो हमने लेयर को सेलेक्ट किया है, इसके ऊपर पूरा एक बॉक्स बनाया है जिसमें राइट लेफ्ट चारों कॉर्नर, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट के जो बॉटम कॉर्नर है, ये सारे सेलेक्ट हो गए। अब ये टूल क्या काम आता है, ये टूल आता है, इस कॉर्नर से पकड़ोगे तो ये इस कॉर्नर से बड़ी होगी, ठीक है, इस कॉर्नर से पकड़ोगे तो इस कॉर्नर से बड़ी होगी, इस कॉर्नर से पकड़ोगे तो ये यहां से बड़ी होगी, ठीक है। ऐसे हर एक कॉर्नर से आप इसको बड़ा कर सकते हो, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जिस भी कॉर्नर से पकड़ रहे सब कॉर्नर से वो बड़ी होगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, इस लीफ को सिर्फ चौड़ाई इसकी बढ़ानी है, लंबाई नहीं बढ़ानी। अभी मैं यहां से बढ़ाऊंगा तो देखो उसकी लंबाई भी बढ़ रही है ना, हमें ये नहीं बढ़ाना। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट बटन। शिफ्ट बटन को आपको प्रेस करके रखना है, उसके बाद आपके माउस की लेफ्ट की से जिस भी बॉक्स पे ले जाओगे तो आप देखो वो सिर्फ चौड़ाई बढ़ रही है उसकी, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। तो शिफ्ट बटन यूज करेंगे तो हम क्या होगा, उस स्पेसिफिक एरिया को ही हम बड़ा करेंगे। जैसे अगर मेरे को टॉप को बड़ा करना है, लंबा करना है इसको, तो शिफ्ट दबा के रखूंगा तो ये लंबा हो रहा है, लंबा और छोटा हो रहा है, लेकिन सारे कॉर्नर से नहीं बढ़ रहा है। तो शिफ्ट बटन क्या काम आएगा, उसको स्पेसिफिक एरिया को ही वो बड़ा छोटा करेगा। जैसे ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर से मैं बड़ा कर रहा हूं, तो देखो यही कॉर्नर से ये बड़ा छोटा हो रहा है, ना कि इस कॉर्नर से भी ये बड़ा छोटा हो रहा है, ये स्पेसिफिक एरिया से ही बड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या सीखा है इसके अंदर, पहले तो बिना शिफ्ट के हम लोग चारों कोनों से इसको अगर बड़ा छोटा करना है तो उससे कर सकते हैं हम, बिना शिफ्ट यूज किए, ठीक है, हमारी कर्सर की मदद से। दूसरा, शिफ्ट से हमने सीखा है कि उससे अगर वीड हाइट कम करनी है, इसकी वीड जैसे कम ज्यादा करनी है, तो हम कर पा रहे हैं, शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे तो ये कम ज्यादा होगा। इसकी लेंथ कम ज्यादा करनी है तो शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे तो लेंथ कम ज्यादा होगी, ठीक है। अब इतना करने के बाद और क्या टूल क्या काम करता है इसके अंदर, एक टूल काम करता है कंट्रोल टी करने के बाद में इसको मूव करना, इस पूरे ग्राफिक को कहीं भी मूव करना। तो एक काम तो ये कर रहा है वो, फिर और क्या काम कर रहा है वो, और काम करेगा, आप इस बॉक्स एरिया जो है आपका, जितना भी एरिया आ रहा है यहाँ पे, इस एरिया के बाहर जब कर्सर ले जाएंगे तो आप देखो यहाँ पे क्या बना हुआ आ रहा है, एरो आ रहा है ब्लैक कलर का, ठीक है, दो एरो बना रखा है राउंड में। यहाँ ले जा रहे तो एरो अलग आ रहा है, यहाँ ले जा रहे तो अलग शेप में आ रहा है। हमारे कर्सर को आप देखते रहो, यहाँ ले जा रहे तो
दो एरो अलग शेप में आ रहा है ये वाला, ठीक है। बॉटम में ले जा रहे हैं ये एरो चेंज हो गया, यहाँ ले जा रहे हैं ये एरो चेंज हो गया। ये क्या काम करता है, जब भी हम आउट ऑफ फ्रेम एक स्पेसिफिक एरिया है बाहर ले जाएंगे तो ये कर्सर हमारा चेंज हो गया, लेकिन स्पेसिफिक एरिया में जैसे इसको लेके आएंगे, जैसे इसके अंदर लाएंगे, वापस एरो तीसरा ही अलग तरीके का हो गया। इस एरिया में ले जाएंगे, इसको ले जाने के बाद में जैसे ही आप लेफ्ट आपका माउस का कर्सर यूज करोगे, इसको करने के बाद जैसे ही आप जिस भी डिग्री पे टर्न करोगे तो ये टर्न होने लगता है। इसको आपको माउस का लेफ्ट की को दबा के रखना है, आपका ये पूरा राउंड शेप में आप इसको मूव कर सकते हो। तो ये क्या काम कर रहा है, बाहर का एरो ये काम कर रहा है आपके शेप को डिग्रीज में मूव करने का। अभी -35 डिग्री पे मूव हो गया है, ऐसे ले जाओगे तो -1 डिग्री पे, ऐसे ले जाओगे तो +37 डिग्री पे, ऐसे करोगे तो आप इसको 90 डिग्री पे ले जा सकते हो। 90 से वापस नीचे ले जाओगे आप -179 डिग्री पे, तो आप किसी भी डिग्री एंगल पे उसे मूव कर सकते हैं, घुमा। आप जहां भी छोड़ेंगे वो वैसे ही रह जाएगा, फिर आप इसको पकड़ के मूव करेंगे तो उसका एंगल चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ, एंगल चेंज हुआ डिग्री पे, कितनी डिग्री पे हमें मूव करना है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा है इसके अंदर कि आपको कोई भी ग्राफिक है तो उसे मूव कैसे करना है, ठीक है। पहले तो हम मूव कर सकते हैं राइट लेफ्ट कहीं भी ले जाके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर दिया तो कॉर्नर्स को पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। बहुत छोटा कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया, इसको हम साइज रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या सीखा, टॉप या बॉटम से हम इसको पकड़ के बड़ा छोटा कर सकते हैं। फिर तीसरा क्या कर सकते हैं, शिफ्ट बटन प्रेस करके हम लोग इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं या विड्थ बढ़ा सकते हैं, राइट से भी और लेफ्ट से भी, या बॉटम से भी या फिर टॉप से भी। तो कहीं से भी हमें स्पेसिफिक एरिया की साइज अगर इंक्रीज करनी है तो शिफ्ट बटन को प्रेस करना है, और उसके बाद हमारा लेफ्ट कर्सर को यूज करके, माउस के लेफ्ट कर्सर को यूज करके हम लोग इसके अप डाउन करके और इसकी लेंथ और हाइट बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या चीज हमने कवर की है आज की इस क्लासेस के अंदर, कि सबसे पहले सिलेक्शन टूल हमें कैसे यूज करना है, मूव टूल कैसे यूज करना है, उसके बाद में हमारा जो भी ये पॉलीगोनल लेसो टूल, ये जो स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट किया जाता है वो हमने सीखा है। तो हमने क्या किया है, अलग अलग टूल्स को यूज करके हमने सीखा है इसे बड़ा कैसे करना है। जैसे हमारी बड़ी स्क्रीन है, मेरे को एक लीफ इस साइज की चाहिए, दूसरी लीफ और छोटी चाहिए, उसको मैंने मूव कर लिया, मूव करके मैंने इसके साथ लगा दिया, ठीक है। तीसरी लीफ हमारी और है, उसको कंट्रोल टी किया, उसको बड़ा किया, उसका शेप थोड़ा ठीक किया और बड़ा कर दिया, चौड़ाई बढ़ा दी, उसको मैंने मूव किया, मूव करके मैंने उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इस लीफ के साथ, ठीक है। अब ये लीफ ऊपर क्यों आ रही है, बिल्कुल ये वाली लीफ तो इसके नीचे जा रही है ना। तो हमने जो सबसे बड़ी लीफ थी यहाँ पे दिखा रहा है, वो लीफ जो है वो ऊपर है और उससे छोटी वाली लीफ उसके नीचे, इसलिए उसका जो एरिया था वो हाइड हो गया पीछे। लेकिन सबसे ऊपर वाली लीफ क्या है, इसके ऊपर आ रही है, क्यों, क्योंकि बड़ी वाली लीफ के ऊपर हमने उससे मिडिल वाली जो लीफ है उसको ऊपर रखा है, तो हमें इसको हाइड करना है कि ये कटा हुआ एरिया नहीं दिखे। तो हमें क्या करना है, ऊपर वाली जो ये लेयर है इसे हमें पकड़ना है और नीचे ड्रॉप करना है इस तरफ, है ना। हमने उसको पकड़ा और नीचे ड्रॉप किया और यहाँ छोड़ दिया, तो आप देखो वो क्या हो गया, इसके पीछे चली गई। क्यों चली गई, क्योंकि हमारा फर्स्ट पेज जो है ऊपर टॉप लेयर वो लेयर है ये वाली, ठीक है। सेकंड लेयर उससे नीचे कौन सी हमारी, कंट्रोल टी करेंगे हम लोग ये वाली। तो हम जब भी ऊपर वाली लेयर के साथ में अगर कोई भी आर्टवर्क लेके जाते, कोई भी डिजाइन, तो पीछे हाइड हो जाएगी। उसको कितना एरिया आपको हाइड करना है वो आपकी चॉइस है, आप हाइड कर सकते हो। फिर एंटर की दबाओगे ये डिसलेक्ट हो जाएगा। अब नीचे सबसे छोटी वाली लेयर है तो सबसे नीचे, तो आप देखो उसको नीचे लेके जाओगे, सेलेक्ट तो है वो लेकिन वो हाइड हो गई, क्योंकि सबसे ऊपर जो लेयर है वो लेयर 2 कॉपी के नाम से वो सबसे ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, उसको जहां भी सेट करना है यहाँ ले जाके उसको डिसलेक्ट कर लेंगे। तो हमने आज क्या सीखा है, एक तो मूव टूल कैसे काम करता है, और सिलेक्शन, और ये तीसरा टूल हो गया इसके अंदर, इसको बोलते हैं पॉलीगोनल लेसो टूल। तो हमने तीन टूल आज कवर किए इस क्लासेस के अंदर, कि उसे कैसे मूव करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, हाइट लेंथ कैसे बढ़ानी है और किस तरीके से हमें काम करना है। तो हमने क्या किया, मेन जो हमारी प्रिंट डिजाइन थी उसमें से हमने पहले लीफ को सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट किया है, उसके बाद में हमने इसकी हाइट विड्थ लेंथ सब कुछ बढ़ाई है चेंजेस करके, और हमने इसको सीखा है सिलेक्शन टूल से हम लोग किस किस तरीके से ग्राफिक को यूज कर सकते हैं। ओके।